देखो अगर हम देखें ना यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो ये 50 मिनट का चार्ट है ना। चलो तो ये पैराबोलिक सार को मैं नहीं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका। पैराबोलिक मतलब काम करता है पैराबोलिक सर। पैराबोलिक सार क्या है कि जो RSI का स्टॉप लॉस है ना, वो पैराबोलिक सार है, समझे तुम। लेकिन वो अभी हम पहुंचे नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया वो। नहीं कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि डिलीट जो ही सर। हाँ जो RSI था ना, उसका अगर स्टॉप लॉस अगर आपको देखना है अच्छे से, और ये जैसे यहाँ पे क्या होता है कभी कभार, देखो ये नीचे ये है ना, यहाँ पे कभी कभार अच्छा सा नहीं होता, मीन्स यहाँ पे साइडवेज है, तो साइडवेज में है ना आपको पैराबोलिक सार यूज करोगे ना जब, तो आपका सेटअप परफेक्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो स्काल्पिंग के, बराबर। तो ये तो देखो ना, आप बोल रहे हो तो ये तो सही था ना, ये आज का ट्रेड बैंक निफ्टी में क्या प्रॉब्लम था आज। अरे नहीं सर, वो पहले जो पहले हाँ का जो 15-20 मिनट का जो ट्रेड होता है ना, देखो भैया, वहाँ ये थोड़ी रेंज सी था, डिप आई समझ है, लो। अभी तो अच्छा मूव आ गया है। देखो देखो हम प्राइस एक्शन देखे ना बराबर, तो ये क्या था, रेंज था यहाँ पे, तो हाँ ये रेंज ब्रेकआउट होगा तब हमें ट्रेड लेना है ना ऑफिशियली। तो आज हाँ क्या हुआ, गैप अप हुआ, ओके। तो गैप अप हुआ हाँ तो मैं कभी कभार बोलता हूँ, मान लो कि रिट्रेस होने का वेट करो, रिट्रेस होने दो, रिट्रेस होने दो। मतलब एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने दो। हाँ, ये मूविंग एवरेज पे आके क्यों ऊपर गया वो, आप देख रहे हो, ये 20 की मूविंग एवरेज और 200 की, तो जब तक 20 और हाँ 200 के ऊपर है तब तक तो हम बुलिश ही है ना। तो ओके देखो जैसे ये था, कोई भी ट्रेड देखो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था, दोनों के बीच में, ओके हाँ ये दोनों के बीच में जब आएगा ना तब ऑप्शन सेलिंग ये, लेकिन ये तो ट्रेंड ही था मार्केट, ओके। फिर यहां से ब्रेक किया तो ये आई थिंक 13th को, तो तुरंत ट्रेड निकला था, देखो ये 2 दिन तक चला ये ट्रेड अच्छे से, सर, और ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेड टू चाहिए हाँ इसी पैसा को। और 200 को ही टच करके ऊपर गया है देखो। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलता हूं कि आप ऐसा नहीं है कि स्टेटिक कोई इम्पोर्टेंस, तो ये भी एक ट्रेड था आई थिंक। मुझे मुझे ऐसा लगा कि सबको ये मालूम होगा कि ये ट्रेंड लाइन टूटी ना, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ट्रेड आया इस दिन। सर ये तो था, ये तो मैं पूरा फॉलो करता था सर, हाँ तो और ये मैं भी पेपर रीड ही कर रहा हूँ। मैं अब हाँ मैं रियल मनी अभी मैंने डाले अकाउंट में बस। ओके ओके, नहीं अभी जब तक कॉन्फिडेंस ना है ना तब तक करते रहो अपने हिसाब से। और ये देखो ये ओके भी मूविंग एवरेज के नीचे था, सही है ना। हाँ सर, तो सही, अगर मूविंग एवरेज के नीचे तो हमें डरना क्यों है ये इसके अंदर, ओके। और फिर ऑप्शन डेटा तो हम बाद में अभी चेक करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेटअप ही बोल रहा है अच्छे से, ओके। सेटअप में तो सर भाई आ ही गया था मेरे तो। हाँ तो ये गया, और अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार डाउनफॉल आया, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, मीन्स साइडवेज चला गया। और यहाँ पे क्या था कि डायरेक्ट ऊपर आके, अभी तो अच्छे से ट्रेंड ही चल रहा है ना दोनों के ऊपर, तो ये मीन रिवर्जन था 200 तक। तो वो देखो ये छुएगा तो छुए 200 को तो छुने आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, फिर यहाँ से बड़ा मूव आ गया। देखा, ये लोग नहीं बोलते गोल्डन क्रॉस और वो सब उस तरह से, तो ये दोनों मूविंग एवरेज मीन रिवर्जन के हिसाब से आ गए, तो आज का ट्रेड सिंपल था ना कहीं भी। और अगर अगर आप प्राइस एक्शन भी देखते हो ना, हाँ तो भी इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे आप। वही सर, वही तो देख रहा हूँ, वही गलती कर दी। हाँ, और अगर यहां से भी आप चूक गए ना, तो यहां से इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे, ये क्योंकि वो क्या वाला वीकली इसने वो कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, हाँ देखो प्रीवियस डे वाला पीडीएच भी कर दिया क्रॉस। हाँ, प्रीवियस डे आई भी क्रॉस हो गया है अभी, लेकिन हमें क्या अपना सेटअप देखना है, क्योंकि हमें तो क्या है कि इंट्रा डे करना है बाइंग या ऐसा कुछ, तो हमारा सेटअप ही देखेगा ना। तो ये सेटअप था साइडवेज का, देखो ये फ्लैट है मोर और लेस, ओके। तो ये साइडवेज था, तो मैं बहुत बड़े ट्रेड नहीं लेता था 2-3 दिन, आपने देखा तो बराबर। फिर ओके क्या हुआ, जैसे ही यहां पे क्रॉस हुआ तो कल से इंडिकेशन आ गया कि यार दिस माइट ब्रेक द रेंज, पर मालूम नहीं था कि गैप अप खुल के करेगा, सही है ना। तो हमारा जो सेटअप था यहाँ पे, ये क्रॉस ओवर आ गया, ऊपर चला गया, अभी ऊपर ही चल रहा है ना ट्रेंडिंग, तो अब तो इसमें कोई रुकेगा नहीं सर। हाँ तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। और अगर अगर लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करते ना, तो देखो ये मैंने पहले दो ही डॉट ज्वाइंट किए थे दोनों, और यहाँ पे एक फ्लैग बनाया था, देखा ये,
ओके हाँ तो ये जैसे ही फ्लैग यहां से ब्रेक हुआ ना, तब हमारा सेटअप आरएमएस कंफ्यूजन के अंदर हम आरएसआई यूज कर सकते हैं ना। ओके हाँ, फ्लैग भी था वो भी मैंने नोटिस नहीं किया। तो ये नीचे गया और फिर यहां से ऊपर आया, देखा, फिर से ओके नीचे आया, तो फिर ये हो गया। तो इसका भी हाई तोड़ेगा ना, ये वाला हाँ 53 हाँ वाला, तब भी आप ट्रेड ले सकते थे। ओके तो दीज आर काइंड ऑफ मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस कि नहीं आज मैं बुलिश होने वाला हूं, ऐसा है। ये जो एरिया कौन सा? है अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो फ्लैग बन रहे हैं यहाँ पे, हाँ बस वही आपने ही ड्रॉ किया ही है ना, आपने भी ड्रॉ किया हुआ है। ये मैंने किया देखा ही नहीं मैंने, ये ब्रेक हो गया है। हाँ वो होता है जब क्या कि हम बहुत सारे ट्रेड एक साथ देखते हैं ना, तो हाँ होता है। और अभी देखो हम बातचीत तो चल रही है लेकिन हमारे लेवल से ही ऊपर जा रहा है, देखो। गया गया सर, ये तो गया ऊपर गया, तो बाप रे बाप। तो यहाँ पे कॉल, अब ये तो किनारी आएगा ना जिसमें जो सेलर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ना। हो ही गए ना। देखिए एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो क्या था, एकदम क्लियर कट था। पहले उन्होंने अरे सेलिंग एक बार में में, लड़के सारे सेलर ट्रैप हो गए। हाँ, और पहले तो क्या था कि जिसको ट्रेडिंग आती है ना वो तो मूविंग एवरेज और वो सब जिसको फॉलो करते हैं ना, वो लोग तो यहां से निकल गए थे कल यहाँ पे कहीं पे, बराबर। और साइडवेज में कल आई थिंक उन लोगों ने छुट्टी ले ली होगी या कोई ट्रेड नहीं किया होगा। ओके, क्योंकि साइडवेज में ये मदर कैंडल के अंदर ही घुमाए कल, देखो आप। आई थिंक मैंने एक दो बार बोला भी था अंदर ग्रुप के अंदर, बराबर। तो अगर मदर कैंडल के अंदर घूम रहा है तो फिर ट्रेड लेने का कोई मतलब है नहीं। स्काल्पिंग कर सकते हैं कोई एक्सपर्ट हो ना, तो देखो हमारे सामने ऊपर जा रहा है ना ये लाइव में, तो ये हमारा सेटअप है, सेटअप बोल रहा है तो हमें बाय करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ओके कल हाँ, 1 मिनट। हाँ सर, इसमें बाय आ गया, आ गया आ गया तो बाय तो कब का आ गया था समझे? सर, वो मोमेंटम नहीं आ रहा था, मोमेंटम अब आया है। हाँ हमें वो हमारा सेटअप क्या है कि मोमेंटम इंडिकेटर किसको, वो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है मालूम है? कि जो लीडिंग इंडिकेटर होता है ना वो पहले से बताता है, जैसे हमारा ये प्राइस एक्शन तो ये लीडिंग हुआ, हमें कल बता दिया था कि ये हम यहां से ऊपर आया, ब्रेक अवे क्या बोलते हैं ना जिसको। ओके, तो फिर मैंने लिखा थी सर ना, ना इसमें नहीं दूसरे में लिखा था। तो यहाँ पे जो ब्रेक अवे गैप आया तब हमें मालूम हो जाना चाहिए कि रिट्रेसमेंट में हम परचेस कर सकते हैं इसको। ओके, और यहां से भी गया, फिर देखो दो एक दो बार रिजेक्शन आया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और यहां तो मल्टीपल टाइम हुआ था ना ये वाला। तो टूट नहीं रहे, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग थे आज। हाँ, और कल क्या किया था यहां पे, ट्रैप किया जो आप बोल रहे थे ना, हाँ ट्रैप लेकिन किया ये है क्या था, पूरा। ऑप्शन सेलर का ट्रेड था। जब मैं क्या करता हूँ, 20 और 200 दोनों के बीच में जब आ जाए ना कोई ट्रेड हाँ इतने स्क्वीज आउट में सैंडविच जैसा, तो वो सेलर का दे हो गया फिर, वो तो ओके बायर जो हो गया ना उसके स्टॉप लॉस हिट हो गया उस टाइम। और देखो ये हमारा लेवल है ना वो कैसे रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, बराबर ना। ये मैं एक बार और लाइव में ही चला गया है और ट्रेड ऊपर, मैं ऐसा है। इन शॉर्ट ये ब्रेक हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत कम आता, देखो ये। चलो अभी दूसरा कुछ ऐसा देखना मैंने है। दिखाई नहीं सर, एकदम नीचे हाँ फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं। 50 पॉइंट के ऐसा रख के अपना 1:5 तो आ जाता टारगेट। अरे यार, तो मैंने बोला ना आज का डे बहुत अच्छा है सबके हमारे लिए, ऐसा है। हाँ आज वन गो में होगा मार्केट, ऐसा है अभी। एक ही डायरेक्शन में आ गया आज। हाँ हुआ ना, और अभी निफ्टी में देख लेते हैं। तो अभी ये चालू रखो कि देख रहा है, अभी ये बुलिश है तो नहीं चलेगा सर, तो चलेगा मेरा ना, चालू ही है चालू सर। ना। एक बार नेक्स्ट में देखिए। हाँ निफ्टी पे देख लेते हैं भैया। निफ्टी तो रेजिस्टेंस के पास है अपने। हाँ देखो ये निफ्टी फिर से आ गया है यहाँ पे ऊपर। ओके, देखो मैंने क्या, ये मंथली का लेवल था ना मैंने ग्रुप में लिखा है 18,210, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 18,210 के ही ऊपर ये ऊपर गया तो दैट मीन्स ये सपोर्ट बन गया अभी। सर अगर आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो मतलब एक्सेलरेशन काफी फास्ट हो जाता है ऐसा। वो मैं नेक्स्ट सेशन है ना उसमें आपको बता दूंगा कि उसमें क्या हो रहा है। मैंने पावर पॉइंट प्रिपेयर कर दिया है। ओके, उसमें मिस कितना परसेंटेज अप होगा, जो कोई भी ट्रेनिंग में नहीं सीखा था कोई, लेकिन मैंने अंदर दिखा है सब कि कितना परसेंटेज अप होगा 60 के ऊपर,
और किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती है। तो फिर क्या आपको कोई भी सेटअप में 13, 15, 18, 20 कोई भी ले सकते हो फिर आप उसके बाद में, लेकिन वो दो ठीक तीन है, दिन लगेगी उसके लिए, कोई बात नहीं, ऐसा है सब चलेगा। बराबर ना। तो वो ऐसा क्या है कि 60 के ऊपर जाए ना, क्योंकि जब जेवेल्स वाइल्डर ने जब भी ये RSI इंडिकेटर ढूंढा ना, तब मार्केट साइडवेज था, ओके ठीक तो इसके हिसाब से उसने उस टाइम ऐसा लिख दिया कि 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो गया। ओके ओके, फिर बाद में एक दूसरा दूसरी आई साइंटिस्ट, ओके, उसने ये ढूंढा कि यार ये जेक वाइल्डर ने किया तो था अपना अच्छा काम, लेकिन तब मार्केट साइडवेज था, और अब मार्केट क्या हो गया है, ट्रेंड ही हो गया है। तो उसके जो पैरामीटर्स है ना कैलकुलेशन में, तो उसने चेंज नहीं किया, लेकिन जो उसके जो हाँ ट्रेडिंग की स्टाइल थी ना, उसके अंदर चेंज कर दिया उसने। ओके ठीक तो ये पूरा हिस्टोरिकल है, और सबको क्या है कि जिसने एक की बुक पढ़ी हो ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पे कितना ट्रेंड हो गया है ना 70 के ऊपर ये वाला, और यहाँ पे अगर 45 का सपोर्ट ले लेगा तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। देखो यहाँ से 45 ड्रॉ कर लेते हैं अगर आपको, एक मिनट ओके, आपको, इसमें सपोर्ट सपोर्ट भी होता है क्या, सपोर्ट एंड हाँ रेजिस्टेंस। बस वही होता है। ओके, अच्छा तो ये देखो निफ्टी का आपके सामने ग्राफ है, अगर ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ बराबर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस के अंदर एक्सपोनेंशियल, और 40 कर देते हैं बराबर ना, जो सबके अंदर होता है। ओके, तो ये देखो क्या हुआ, ये वाला 45 हुआ, ये वाला भी 45 के आजू बाजू है ना, ये वाला, ये ट्रेंड ये लाइन चार्ट के देख रहे ऊपर हो भी है, सर? 15 मिनट का चार्ट है भैया, ओके ओके हाँ तो वो हमारे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है ना, इंट्राडे के लिए भी। हाँ ओके, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे भी 15 हुआ, यहाँ अभी 15, यहाँ पे भी 45 का ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है देखो, लेकिन ओके यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं है। ओके हाँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं है। समझे आप, तो दिस इंडिकेटर पर, लेकिन हमें इंडिकेटर से पहले हमने प्राइस एक्शन ने बताया था यहाँ पे कि ये मंथली का लेवल है 18,210 का। ओके, तो यहाँ पे कुछ होगा, या इधर ये ब्रेक हुआ तो ड्राम से गिरेगा, और नहीं हुआ ओके तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट होगा है ना फिर वो, क्योंकि ओके ये मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुआ है इसका, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर डेली में को कर देखोगे तो बहुत कम दिखाई देगा, जैसे देखो डेली में करो तो डेली में सिर्फ एक या दो बार ही दिखाई देगा ये, सही है ना। हाँ, लेकिन वो ओके, फिर काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। हाँ, और डेली की हिसाब से आप ट्रेड भी कैसे लोगे, तो हमें तो 15 मिनट में जाना पड़ेगा ना इंट्राडे के लिए भी जाना ही पड़ेगा। बराबर। तो 15 मिनट में हम चले गए यहाँ पे, तो देखो ये पहला एक ट्रेंड लाइन ये ब्रोक हुआ था ना, तो यहाँ से ये वाला एक ट्रेड था बराबर, और यहाँ से भी देखो दिखाई देगा हमें ये वाला, देखो ये गया नीचे हाँ जी मूविंग एवरेज के नीचे, और ये भी देखो ये भी क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे हमारा ओके हाँ, RSI की बात कर रहा हूँ, गिरा। RSI भी क्रॉस हाँ, तो यहाँ पे आए ना तब हमें प्रॉफिट बुक कर देना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है है। 15 मिनट का, मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुआ ना, तो इसका मतलब इसका इंपोर्टेंस ज्यादा हो गया है बराबर ना। अरे निफ्टी जो है, ये जो ट्रेंड लाइन इसे ब्रेक किया है, हाँ ये ये फिलहाल वाला, अभी उसको रिटेस्ट के लिए जा रहा है कि वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा है? नहीं देखो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, तो हमें अकेले को मालूम नहीं था, पूरी दुनिया को मालूम था कि यहाँ पे सेलिंग आएगा, हाँ और सेलिंग हाँ आएगा तो यहाँ से हम निकल जाएंगे ओके बराबर ना। फिर रिस्क क्यों ले कोई, अगर ओके आपको यहाँ से ही गिर के आ जाता है ऑफिशियली, अगर इसका हाई टूटे ना तभी अच्छा होगा ट्रेड ओके बेस्ट रहेगा वो बराबर। तो, फिर हाँ, मेरे तो यहाँ पे अगर ख्याल से ऑल टाइम आ जाएगा। हाँ, बस ATS ही बोलते, देखो अगर लाइन चार्ट पर कन्वर्ट कर देना इसको, तो इसने ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर ही दिया है आज। हाँ देखो ना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, डेली में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको, ये वाला है ना ऑल टाइम हाई, तो सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, प्रीवियस हाई, सॉरी ये प्रीवियस वाला हाई हाँ, हाँ, ऑल टाइम 15 ऐसा मिनट 18,600 है। हाँ, वो अंदर लिखा हुआ है मैंने। ये कैंडल में कन्वर्ट कर देते, तो ये रेंज ब्रेक, ये हमेशा ऐसे ही ट्रैप करता है निफ्टी, इसका बिहेवियर मुझे मालूम है, रेंज ब्रेक करता है ऊपर जाता है फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है,
और सबको यहाँ पे ट्रैप कर ये भी लिया। बताना सर कि किस ढंग से ट्रैपिंग करते हैं ये लोग। वो ऑप्शन डेटा में मैंने कल भी लिखा था, ट्रैप करते हैं ना तो ऑप्शन डेटा में भी मालूम हो जाता है और प्राइस एक्शन में भी हमें मालूम हो जाता है, दोनों तरह सर से। ऑप्शन डेटा में तो पहले मालूम पड़ जाता है क्योंकि अपने को दिख जाता है कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन है और कहाँ पे एक्यूमुलेशन कम है ज्यादा है, पर ये नहीं प्राइस वो एक्शन में डेटा सर चेंज पहले होगा, पता चलता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन पहले बताएगा, ऑप्शन डेटा बाद में बताएगा। प्राइस अच्छा एक्शन कैसे पहले बताएगा, क्योंकि ये है ना, ये साइडवेज मार्केट है, वो ऑप्शन डेटा तो बाद में यहां पे कहीं क्रिएट होगा साइडवेज बीच में, लेकिन ये ओके प्राइस एक्शन तो देखो, ये मदर कैंडल है ना ये वाली ओहो बराबर, तो इसके बीच में चल रहा है, तो दैट मीन ये साइडवेज है, भले हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ओके okay? और ये ट्रेंड लाइन पे आके जाएगा ना, वो हमें कोई डेटा नहीं बताएगा कि यहां से ऊपर आएगा, यहां छू के ओके ये वाला देखो एग्जैक्ट टच हुआ है, समझे? हाँ तो ये हमें क्या टेक्निकल इंडिकेटर ही बताएगा सब, ओके 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 okay? ऑप्शन डेटा बाद में क्रिएट होगा, क्योंकि देखो ये आज मार्केट गिरा, ओके okay? तो यहां पे टच हुआ, लेकिन यहां से टच होके वापिस आएगा ना, वो ऑप्शन डेटा नहीं बताएगा हमें, ये हमें मंथली सपोर्ट बताएगा ये वाला। सर ओपन और हाई भी आज सर सेम था ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट सेम था आज तो, वेन एवर ओपन आई इज नियरली सेम ना, तो हाँ जनरल ये देखो सबने सबका माइंडसेट आज क्लियर था ट्रेडर का, क्योंकि आज क्लियर था। बायर ने क्या किया, 4 दिन वेट किया है कंटिन्यूअस, हाँ बराबर, हाँ 1 2 3 और 4, तो आज क्यों ट्रेड जाने दे, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज तो ट्रेड ले लो मॉर्निंग से। हाँ तो सबने क्या किया कि जैसे कि जो एक्सपीरियंस थे ना, वो लोगों ने यहां से सेल किया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था 348 मैंने भी वाला। ऐसे किया था लेकिन पेपर में किया था मैंने। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, देखो आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया ना ओके बराबर। तो और जो मैं एनालिसिस देता हूँ ना हर रोज, उसके अंदर भी मैंने ये लेवल लिखा हुआ था हाँ ये है बराबर, लेवल है। हाँ ओके, और मैंने ग्रुप में भी लिखा हुआ है कि देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है आज का, मंथली हाई है ना मंथली वाला, वो हाँ तो उससे सर क्या ये होगा, 210 जो है ना यहाँ पे प्राइस मंडरा रहा है, मतलब इस बहुत ही मतलब देखने वाला सीन है कि किस ढंग से मंथली जो लेवल्स होते हैं वहां पे प्राइस हाँ को कैसे वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। हाँ बस, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मंथली और वीकली को इंपोर्टेंस ज्यादा देता हूँ, ओके तो और मैं डेली को कम देता हूँ, लेकिन मंथली और वीकली को मैं ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देता हूँ इसी के हिसाब से, बराबर ना। तो उससे क्या होता है कि ट्रेड अच्छा आता है इन शॉर्ट, और हमें निकलना है ना तो यहां से हम निकल जाते हैं, ओके, फिर बाद में ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, बराबर ना। ओके जैसे देखो आपको निकलना है यहां से आपके ट्रेड में से, तो यहां से चलो यहां पे भी नहीं निकले आप, फिर यहां का हाई टूटे ये वाला ओके 18,250 का, तब निकल जाओ ट्रेड में से, बराबर। तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा और आपको क्या पेन नहीं आएगा, फिर यहाँ पे देखो हमारे सेटअप ने क्या किया है ये वाला, यहाँ पे क्रॉस ओवर है और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना दिया ना, फिर देखो ये इंडिकेटर ने यहाँ पे बोला ये वाली कैंडल पे 12:30 की कैंडल पे बराबर, और यहाँ पे देखो फिर तू ये वाला, 1 मिनट, ये यहां से हुआ ना, ये मुड़ रहा है ये वाला रेड वाला दिख रहा है, और 1 बजे की कैंडल, तो सर इसमें यहां से एक्सप्लेनेशन जब कैसे ये, रहेगा? सॉरी सॉरी आप बोलिए मैं बोलता हूँ। हाँ देखो ये 1 1 बजे की कैंडल है ना, ये नीचे RSI के ऊपर ध्यान देना हो, रेड रेड वाली लाइन के ऊपर, ये तो अब जा रही है, लेकिन ये अब जाने से हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी अब जानी चाहिए ना रेड वाली, हाँ तो ये अब जा ठीक रही है है। उस टाइम, और यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ना 15 मिनट की पहले वाली, उसके ऊपर भी चला गया है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी कैंडल बनी पूरे दिन की, ग्रीन कैंडल हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। हाँ देखो, देख बड़ा करूँ ना, ये देखो सब ग्रीन छोटी छोटी है ना, लेकिन ये वाली बड़ी है, क्यों, क्योंकि अल्गोस को ये सब मालूम हो गया है, ओके बराबर ना। और ये क्या था, प्रीवियस क्लोज है 18,308, सर ये क्रॉसओवर कितने बजे आया है आपका? 1 12? बजे है ना ये बार, ये वाला हाँ ये बारह बज कितने के बजे तीस आया? मिनट ओके सर मेरा तो बहुत जल्दी क्रॉसओवर आ गया था।
आ जाता है, लेकिन उसमें क्या स्टॉप लॉस भी उठ हो जाए, क्योंकि हमें क्या था कि ये लेवल के ऊपर ही बाय करना था, ये क्रॉस हो रहा है वो हमें कुछ लेना, मैं तब भी मैंने ट्रेड ना बोला आपको, लेकिन ये ऊपर होना चाहिए, ओके हाँ समझे? तो वो क्या हाँ सेफ इंडिकेट ट्रेड बेटर है होगा? सर कि मैं जो 9 यूज कर रहा हूँ वो भी चले। ओके आपको जिसमें प्रैक्टिस करना हो ना वो करो बराबर, लेकिन आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो 15 मिनट में कर रहे हो तो थोड़ी बड़ी ये होगी ना मूविंग एवरेज, तो रिजल्ट थोड़ी ज्यादा, भले थोड़ा कम सिग्नल देगी लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा देगी वो। तो सर वो मोमेंटम के लिए जो मैंने बोला था आपको वो क्या बोलते हैं एडीएक्स जो मैं देखता हूँ हाँ, कि सेम टाइम फ्रेम पे मोमेंटम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो तो उसको भी चेक मोमेंटम करना के लिए चाहिए। एडीएफ, सारे एडीएफ डीएमआई देखो तुम। देखो 1 मिनट मैं डाल देता हूँ आपको, बता देता हूँ। तो क्या मैं एडीएक्स तो सिर्फ वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, एडीएक्स आरएसआई देखो, एडीएक्स डीएमआई देखो। देखो ये सिंपल 14 है ना, ये वाला ये अप्लाई कर दिया। ओके तो ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर आया है ना एडीएक्स का, ये वाला डीएमआई का, तो ग्रीन लाइन मानी यहां से पॉजिटिव। तो देखो ओके मल्टीपल कंफर्मेशन हुआ मल्टीपल कंफर्मेशन। तो सर इस। ये तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ ये जो लाइंस है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ सुभांग आपको कि आप जो अभी यूज कर रहे हैं ना वो सिर्फ 50% यूज कर रहे हो इंडिकेटर का, लेकिन ओरिजिनल सिर्फ ये व्हाइट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ये भी। तो फिर आप आरएसआई नहीं देखोगे ना तो भी चलेगा, ये देखो आरएसआई की जैसे ही मूवमेंट हो रही है इसकी भी, हाँ देख रहे हो हाँ हाँ ओके कैसा तो है? सर जो क्रॉस ओवर है ये तो मतलब ये थोड़ा लैगिंग है लेकिन इसमें पर फॉल सिग्नल्स फिर हट जाते हैं थोड़े। हाँ, और उसमें क्या, अगर आपको स्काल्पिंग करना है ना तो आपको लेवल मालूम है टारगेट का। देखो यहाँ पे स्काल्पिंग करना था आपको, तो यहाँ से ऊपर चला गया तो ये हमारा टारगेट था, ये वाला 18,308 का, क्योंकि वो प्रीवियस क्लोज भी है, तो वहां से निकल जाओ। और यहां से देखो अल्गो भी वही कर रहा है, यहां से एंट्री ली, बड़ी कैंडल बनाई, और क्या बोले अभी सर क्या अब अल्गो करेंगे? भी वही कर रहा है। हाँ अल्गो, अल्गो को कहाँ दिमाग है, वो तो यही देख रहा है सब, और ये देख रहा है, और हमें अल्गो की तरह सोचना है। अल्गो क्या आता है, फिर से री एंट्री होती है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाए ना तो, और हम भी वही करेंगे ना। ये तो ट्विजर टॉप हो गया ना, 284 और 318 और 317 ट्विजर टॉप हो गया ना, ये देखो समझ रहे हो? और ये तो 15 मिनट की कैंडल है, अगर 2-3 मिनट की देखोगे ना तो बहुत लंबा दिखाई देगा इसमें। देखो चलो 1 मिनट की करता हूं, ओके देखो जैसे मैं 1 मिनट में भी ट्रेडिंग करता हूं, जो स्कैल्पिंग करता हूं ना, तो मेरे देखो 1 मिनट के भी लेवल्स आ गए ना अंदर, ओके तो ये वाला है। तो देखो 1 मिनट में अर्ली सिग्नल था यहां पे बाइंग का, ये देख रहे हो एडीएक्स, ये कौन सा था, 18,260, ओके तो 18,260 से ऊपर कहां तक गए हम, ये वाले क्रॉसओवर तक, और इसके नीचे तो करीबन 40 पॉइंट्स का मूव खा लिया ना हमने। तो स्काल्पिंग इजीली ऑप्शंस में भी 20 पॉइंट्स जितना इन द मनी में होगा तो 20-30 पॉइंट्स आ जाएंगे आज बराबर। लेकिन ये क्या कि थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे डबल टॉप हुआ था देखो, लेकिन ये क्या कि 1 मिनट थोड़ी दूर की बात है अभी के लिए, क्योंकि पहले क्या अच्छे से प्रैक्टिस करो ना बड़ी टाइम फ्रेम में तो मजा आएगा। और ये देखो ये पूरा 1 मिनट में ये जा रहा है ना नीचे अच्छे से, और ये देखो मेरा लेवल था ना जो एग्जैक्ट वहीं पे टच हुआ है, देख रहे हो ये, और ये लेवल था ना ये हमारा, इसके सर ऊपर ये चला गया तो। लेवल हाँ ये आपने लेवल कब ड्रॉ किया। अच्छा ये है ये मेरे प्रीवियस रेगुलरली ड्रॉ करता हूँ, अच्छा ऐसा है। तो अभी चलो फिर 15 मिनट में ही देख लेते हैं तो क्या आइडिया ज्यादा रहेगा। ओके ये इन शॉर्ट ये हो रहा है, ये आपका लेकिन एडीएक्स जो है सर ये आपका सही है मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। सिंपल 14 क्लोज बेसिस। सर मैं वो डीएमआई देख रहा हूँ उसमें एडीएक्स डीएमआई जो होता है ना हाँ वही है ना, एडीएफ डीएमआई है मेरा भी, एक ही मिनट
सेटिंग्स में तो देखो उसका सिंपल फुटिंग, बहुत कुछ फर्क नहीं आएगा सुपांग इसके अंदर, आप कोई भी लगा अच्छा, लो सेटिंग्स इसमें में। थ्रेडिंग में डालना पड़ेगा। मैं भी हाँ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर डाल रखा है मैंने। उसमें उसमें भी आएगा, investing.com में भी आएगा, ये खाली डीएमआई आ रहा है उसमें, तो ADX लिखो, उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, ADX लिखना पड़ेगा, ADX लिखा लेकिन उसमें वो नहीं आ रहा है, डीएमआई नहीं है उसमें, तो ADX DMI लिखो तो भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू में चले जाओ ना। ट्रेडिंग व्यू में ही करना पड़ेगा। हाँ उस तरह से ये, लेकिन ये इंडिकेटर है ना वो सबसे मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है ना, ये फर्स्ट नंबर RSI एंड देन सेकंड नंबर ADX। ओके यहां से देखो, अगर देखो ये वॉलेटिलिटी कम थी ना तो यहां पे तुम ऑप्शन सेल कर सकते थे, ये व्हाइट लाइन देख रहे हो ना ADX की, हाँ और ये नॉन डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं है कि नीचे गिर रहा है तो मार्केट नीचे गिर रहा है ऊपर गिर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, और ओके इसमें भी देखो स्विंग हाई और ऐसा सब होता है। जनरली ये आपको थोड़ा बहुत मालूम हुआ, ये 25 के ऊपर और ये वाला क्रॉसओवर वैलिड हो गया ना तो मार्केट ऊपर हाँ चला गया, ऐसा है, ये बड़ी टाइम फ्रेम में तो बहुत अच्छा दिखेगा। सर, आप जैसे बोल रहे थे ना, मूविंग एवरेज 20 और 200 के बीच में अगर प्राइस एक्शन हो रहा है तो हम हाँ लोग हाँ ऑप्शन सेल कर सकते हैं। हाँ ये साइडवेज हो रहा है उसीलिए आप बोल रहे हो ना? हाँ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम खोलो एक बार। हाँ ओके जैसे देखो ये मूविंग एवरेज फ्लैट है ओके और 200 के बीच में भी आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में, ये 20 है और ये 200 है। राइट राइट अच्छा ओके 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 और जैसे स्क्वीज आउट जैसे होगा ना तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो ऑप्शंस, क्योंकि इसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है ना यहाँ पे देख रहे हो तो, सही है ना, ये वाला राइट RSI में थोड़ा डिफरेंट पिक्चर होगा, लेकिन ये वाला क्या हुआ, मोमेंटम नहीं है तो फिर सेल कर सकते हैं ऑप्शन हम लोग, और उसमें भी क्या है कि हमारे पास रेंज भी आ गई है, देखो ये वाली हुई ना, ये दो, ये इसका लो और इसका हाई। राइट ये रेंज के अंदर ही होता है। राइट हाँ तो पूरा दिन मिला देखो, 1 दिन 2 दिन, और ये एक्सपायरी का दिन था गुरुवार की, 12th of January थर्सडे एक्सपायरी था, फिर फ्राइडे सैटरडे मंडे और ट्यूसडे, बराबर ना, तो जब ये रेंज शिफ्ट हुई ना वो हमें डेटा से आज मालूम हो गया कि 18,250 का स्ट्रेडल क्रिएट हो गया है, शॉर्ट स्ट्रेडल, और वो हमने कहा बताया था आपके आज का जो टुडेज का एनालिसिस होता है ना हर रोज का, उसके अंदर मैंने बता ही दिया था कि ये हो रहा है इस बार डेटा, क्योंकि सबको प्रूफ चाहिए ना। तो सर, जैसे हम लोग का ये 18,342 एक वीकली रेजिस्टेंस था और आज हम लोग हेवी सेलिंग प्रेशर भी देखा सुबह, तो हाँ ऐसे हाँ क्या व्यू हम लोग बना सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज लाइक व्हेन इट टचेस द सेम लेवल और एक बार सेलिंग हो सकता है, ऐसे हम लोग मतलब व्यू रख सकते हैं हाँ रख लाइक सकते वीक हो व्यू आप। वीकली हाँ लेकिन कैंडल इंटर कैंडल रेड होना चाहिए यहाँ रिजेक्शन? से, अच्छा बराबर। परफेक्ट राइट हाँ रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि यहाँ के क्या पेंडिंग ऑर्डर हो गए ये सब, क्योंकि ये ना अभी देखो ये फ्रेश लेवल है, ये वाला 348 वाला देख रहे हो, 340 हाँ तो यहाँ पे क्या पेंडिंग ऑर्डर या उस यहाँ के टारगेट दोनों हो सकता है, फियर आ सकता है, सबको फियर होगा, कौन बॉर्डर के ऊपर नया बाय करेगा बताओ मुझे, सही बराबर। तो ये क्या होगा, ये फियर का ऑफिशियली देखे ना तो ये तो मदर कैंडल रेड ही है ये वाला, हाँ इसके अंदर ही घूम रहा है निफ्टी, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी बुलिश हो गया है। एग्जैक्टली हाँ वही मैं बोल रहा था एग्जैक्टली। हाँ तो अभी तो बेरिश ही है, लेकिन ये क्या बता रहा है, देखो ये बड़ी कैंडल है, इसके अंदर 500 छोटी कैंडल बनी, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको कोई, नहीं कुछ नहीं पड़ता। हाँ राइट इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे निकल गया है लेके सब, और थोड़ी थोड़ी पोजीशन रखी है, फिर उसकी जो दूसरी पोजीशन है वो फिर यहाँ यहाँ से काटेगा या थोड़ी ऊपर से काटेगा। ओके और अगर मार्केट को इसको ऊपर ही ले जाना है तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं ना, वो डायरेक्ट वो नहीं बोलती कि कभी कभार बड़ा ब्रेकआउट आ जाता है हाँ यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है, तो इट्स डिपेंड्स, ये कैंडल के हिसाब से ही मालूम होगा हमें यहाँ पे क्या होगा, तो अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग स्टिक कैंडल से वर्क। ब्रेक हो रहा है तब व्यू वाला ये हो सकता है, एक्सटेंड हाँ हो एक सकता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बने ना तभी इसको ब्रेकआउट मानेंगे वरना फेक मानेंगे, एक मानेंगे और अच्छा जैसे हमारी इक्विटी में होता है ना सब,
कभी कभार क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा मीन्स तुरंत ही गिर जाता है मार्केट और ये ऊपर थोड़ा वीक बन, तो यहाँ पे है ना 20 पॉइंट्स का बफर रखने का ऊपर, इसके ऊपर अच्छा प्रीवियस अच्छा हाई है ना उससे 20 20 पॉइंट्स, और निफ्टी के अंदर भी 20, सभी में मैं पर जनरली ऐसा रखता हूँ। मेरा मेरा अगर व्यू ट्वेंटी मुझे बेयरिश रखना है ना तो इसके 350 है ना तो 370 तक कुछ नहीं करने का, स्काल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे आप, क्योंकि क्या है कि ये लेवल आपको मालूम है तो यहाँ फीवियर आएगा तो आप 10 10 15 पॉइंट का स्काल्पिंग इजीली कर सकते हो इसके अंदर, जैसे यहाँ सबने किया ना, क्योंकि ये क्या था लेवल था प्रीवियस क्लोज का 18,308, तो यहाँ पे क्या था सेलिंग ऑर्डर था तो यहाँ पे सब एब्सॉर्ब हो गया ये वाला, ये रेड कैंडल हुआ ना थोड़ा, तो यहां से ही क्यों गिरा, तो उसका आंसर ये है कि क्योंकि ये प्रीवियस क्लोज था होता तो यहां पे भी सबको फियर था, फिर क्या था बेयर हो गया, फिर यहां से क्या हुआ बुल वापिस आ गए और अभी इसको खाने का ट्राई कर रहे, तो 318 का लेवल जब टूटेगा ना ये वाला ऊपर का बराबर, तो ये ऊपर भागने का ट्राई करेगा राइट है राइट ओके, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अड्डल है क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा रेंज था और अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर, तो अब इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि ओके यहां हमने क्या किया यहां से प्रॉफिट बुक करके बैठ गए, और यहां से एक आध लॉट करे ना तो भी चलेगा फिर सबको, किसी को ओरिजिनल ट्रेड तो बाद में आएगा, आइदर ये ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन या मंथली, क्योंकि ये मंथली लेवल है ना इसके लिए बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ओके ऐसा है, फिर स्टॉक के ऐसा कुछ देखना है फिर स्टॉक सर अगर कुछ कि डेटा मारुति एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस में हाँ सर प्लीज ओके, डेटा एनालिसिस कभी क्या चल रहा है ओपन इंटरेस्ट और वो सब बराबर, तो उससे क्या आपको आइडिया जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये निफ्टी है 20 जनवरी बराबर, देखो कॉल राइटिंग कहां पे हुआ है 18,300 पे हुआ है ना ये वाला जो मेरा कर्सर है ना राइट वो, राइट तो 18,300 का कॉल राइटिंग का मतलब क्या हुआ, बेरिश यस परफेक्ट परफेक्ट, लेकिन ये एक कैंडल नहीं है अभी दूसरी भी देखो यहां पे भी क्या हो रहा है पुट भी पुट एडिशन राइटिंग हो कर रहा है ना बराबर, ओके हाँ यहां पे ये वाला 18,300 और ये पुट का है, रेड लाइन पुट का ग्रीन लाइन कॉल का, देखो ये कॉल के देख ले फिर बराबर, तो से हैवी राइटिंग कहां पे हुआ है 18,300 पे, फिर राइट दूसरा कहां पे हुआ है 18,400 पे बराबर, और यहां पे सबने प्रॉफिट बुक कर लिया है क्यों, क्योंकि यहां पे अभी ऑप्शंस का वैल्यू 0,0 जितना हो जाएगा एक्सपायरी ना, तो ये वाला जो खाली बॉक्स है ना यहाँ पे क्या हुआ है कॉल अनवाइंडिंग हो गया है, अभी सिर्फ पुट का देखते, तो पुट में कहाँ पर आप सबसे ज्यादा एडिशन यहाँ पे हुआ है 18,000 पे, ये है ना यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्ट्राइक ये वाला, जब मैं यहाँ पे कर्सर डालूंगा ना तो 18,000 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ 18,200 और 18,300, तो 18,300 पे भी यहाँ पे क्या हो रहा है राइटिंग हो रहा है, सही है ना, अगर अभी इसको हम दोनों साथ में कर देते हैं बराबर तो पिक्चर क्लियर हो गया, तो 18,300 का क्या हुआ कॉल और पुट दोनों सेलिंग वाले ओके, तो रेंज हो गई ना ये 400 की और ये 200 की, सेफ्टी लेवल हो गया ना ये बड़े टावर, जनरली ये वाला टावर हम गिन, 18,000 का टावर बहुत बड़ा है लेकिन इसमें प्रीमियम थोड़ा कम होगा आज, और 18,400 का ये टावर है सही है, और अगर डेटा की बात देखें तो 18,300 पे इतना जो था ना ये 22 लाख जितना और ये 15 लाख जितना उतना हुआ है, देखो आज का देख लेते हैं चार्ट, ये आज का पोजीशन है जो इंट्राडे आप सब देखते हो ना, आज का ये ओपन इंटरेस्ट जो लिखा है ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ये ऑल ओवर है 1/17 से बराबर, 1/17 पहली तारीख से, कॉल राइटिंग इंक्रीज हुआ है हाँ तो आज के दिन क्या हुआ है 18,300 में कॉल राइटिंग हो रहा है लेकिन साथ में साथ पुट में भी हो रहा है समझो, तो ऐसा नहीं है कि कॉल ही सिर्फ राइट हो रहा है पुट भी राइट कर रहे हैं, क्योंकि सबको सेटअप कर शॉर्ट रहे हैं ट्रेडर का कुछ पैसा चाहिए ना, लेकिन हाँ डेटा के हिसाब से 300 है ना
उसमें कॉल राइटिंग ज्यादा है तो यहां से 300 से नीचे गिरेगा, तो 300 के ऊपर जब जाएगा ना तब इन लोगों को फियर आएगा कि नहीं आएगा कॉल राइटर को, तो उससे 20-30 पॉइंट ऊपर जाने देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे इसको गिरा देंगे, बराबर ना। तो अगर वो 300 के ऊपर गया तो जाने दो, क्योंकि उसको क्या 250 तक उनको कोई टेंशन है नहीं, लेकिन 250 के अंदर पुट राइटिंग ज्यादा है। देखो यहाँ पे कॉल इन कंपेरेटिव टू कॉल, ये 200 की स्ट्राइक है, ये वाली तो 200 में आएगा तो सबका बंबू टाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आता है ना, देखो ये इंक्रीज हुआ, देखा लाइव में ऑलरेडी इंक्रीज हुआ, ये लाइव चार्ट है भैया, डिले नहीं है ये इसमें, इसके अंदर वो देखो आपके सामने ये हुआ ना इंक्रीज, दैट मींस पीपल आर कॉन्फिडेंस कि 18,300 से मैं गिरूंगा ही गिरूंगा, गिराऊंगा इसको। ओके सर, अब कुछ देर पहले जो आप ग्रुप में लिखे थे ना, जो निफ्टी बैंड बोल के 18,300 और 17,500, तो दैट इज दैट फॉर दिस वीक एक्सपायरी? नहीं, वो जो होता है ना वो हम डेटा के हिसाब से चेंज होता रहता है लेवल। जैसे देखो पहले इन लोगों ने स्टार्ट पोजीशन कब की, लास्ट वीक में 18,200 का ट्रेडल बेचा उन्होंने, ये लोगों ने, बराबर। फिर उन्होंने क्या किया, 18,200 में जो कॉल थे ना उसमें प्रॉफिट बुक किया और वो चले गए ऊपर 18,300 में, तो उसकी उन लोगों ने क्या किया, अपनी पोजीशन जो शॉर्ट ट्रेडल थी ना उसको कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल में, हाँ। मेजोरिटी पीपल ने, मास साइकोलॉजी बोलते हैं इसे, तो मास साइकोलॉजी ये हुआ, बराबर। और आज भी वही हो रहा है, तो देखो 200-300 वाले का तो आज प्रॉफिट ही है ना, देखो तो। और उसकी वो लोग जब पोजीशन मास मानी, जब सबसे ज्यादा जब पोजीशन चेंज होती है ना तो हमें डेटा में दिखाई देता है यहाँ पे। अगर आई थिंक शुभांग समझ गए, शुभांग समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ वैसा है। तो ये क्या कि जब वो लोग पोजीशन शिफ्ट करे तो आप भी शिफ्ट कर दो तो आपको घाटा नहीं होगा राइटिंग के अंदर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी, जैसे उन्होंने पहले क्रिएट किया है शॉर्ट ट्रेडल, तो आप भी शॉर्ट ट्रेडल क्रिएट करो, बराबर। फिर उन लोग वो लोग कॉल में से निकल रहे तो आप भी कॉल में से निकल जाओ, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए आपके थोड़े है ना, तो उनको फॉलो करो ना बड़े लोगों को। और अगर आज ये लोग 18,300 का कॉल दूसरा सेल कर रहे तो हम भी सेल करें, क्यों ना करें। ओके, और साथ में जैसे यहाँ पे दो कॉल सेल करो, एक एक पुट यहाँ पे सेल करो, तो वो भी हो गया ना स्ट्रेटेजी, अलग अलग उसके नाम होते हैं सभी स्ट्रेटेजी के। तो आज उस तरह से, आज ट्रेडल का डे नहीं है, इसमें आ जाए, बराबर। देखो आप अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। देखो सुबह ये क्लियर हो गया ना, क्लियरली ये क्या था, कॉल में क्या हो रहा है आज 38,500 में अनवाइंडिंग हुआ ना, तो कॉल जो सेलर थे वो निकल गए और पुट में एडिशन हो गया। ओके, राइट, तभी शॉर्ट कवरिंग आया। हाँ समझ गए। देखो ये वाला भी कॉल क्या हुआ, अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ पे भी कॉल अनवाइंडिंग हुआ, और हमने आज जो एनालिसिस मैंने दिखा था मालूम नहीं, लेकिन ये वाली रेंज थी 38,500 वाली, मैंने आई थिंक स्क्रीनशॉट भेजा होगा ग्रुप के अंदर ये वाला लेवल का, बराबर। तो 38,500 जो इम्पोर्टेंट लेवल था वहां से ये सब होगा, तो अभी तो मार्केट बुलिश हो रहा है क्योंकि ये पुट राइटिंग बढ़ रहा है, देखो मैसिव पुट राइटिंग है। अगर यहां से देखे तो आपको आइडिया आ जाएगा, देखो ये कॉल नीचे गिर गया है, कॉल का ये सभी क्या हुआ, ये स्ट्राइक में सब निकल गए और पुट राइटिंग बढ़ गया, समझे। इसीलिए तो बुलिश हो रहा है ना ये बैंक निफ्टी आज, और ऊपर की स्ट्राइक में तो यहाँ पे फिगो का लेवल भी है सर, 38,866 फिगो का 0.6 वाला लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, कौन सा 38.6 नहीं नहीं 38,000 क्या बोला आपने, 38,866 फिगो का लेवल भी है, हमारा भी 38,855 का लेवल है, अपना भी एकदम परफेक्ट है देखो। तो फिबो हाँ आई थिंक वो 261.8% का आप रिट्रेसमेंट चेक कर रहे होगे, हाँ
है ना। वो थोड़ा बाय हार्ट है मुझे, कोई बात नहीं। इन शॉर्ट ये सब होता है, समझे। और लेकिन अगर तुम प्राइस एक्शन फिर फॉलो करोगे ना, तो ये बाद में बनेगा। जो अच्छा हमने देखा बैंक निफ्टी का ट्रेड अभी, तो वो तो इंडिकेटर ने हमें सब बता दिया था ना पहले कि मैं बुलिश हो रहा हूँ, मैं बुलिश हो रहा हूँ। तो इसके हिसाब से तो ये डेटा बना फिर। फिर भाई आ गया सर। हाँ, और अभी देखो 18,203, 18,300 का जो रेजिस्टेंस था वो तो हमने डेटा के हिसाब से पकड़ा बराबर, हाँ और हमें हमारा लेवल भी हमें मालूम है ना, तो वहां से मार्केट निफ्टी को गिरना ही पड़ेगा कुछ भी कर ले। चलो निफ्टी का चार्ट देखते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी 300 के ऊपर गया कि नहीं गया, नहीं सर वो गिर गया। नहीं गिर गया या देखो सर गिरा ना सामने। हाँ जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा उसके बाद सर, मतलब उससे पहले ही गिरना चालू किया लेकिन खराब से गिर गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि परफेक्ट लेवल आपको मालूम होगा ना। अब ये हाँ गिरेगा तो देखो सबको खा गया, फिर तड़ाम से खा सब देगा। सबको खा गया। हाँ नहीं, ये बड़े प्लेयर है समझो, अभी तो 2 बजेंगे ना तब बड़े प्लेयर आएंगे मार्केट के अंदर। अच्छा इस अभी गिरने का चांसेस ज्यादा है। ट्रैप ये तो टाइम पास किया सबने, उन लोगों ने सबको ट्रैप किया समझ लो। किया। हाँ बराबर, अभी 2 बजे एफआईआई नहीं आएगी क्या मार्केट के अंदर, एक दो बराबर ना। तो ये प्राइस एक्शन भी हो गया देखो तो आप, हमारे हिसाब से इसका लो क्या है 275, ये हमारा लेवल भी है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 210 200 का, 210। मंथली मंथली वाला जो सपोर्ट है। हाँ, और जो आपका क्वेश्चन था ना शुभान, कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो ये देखो यहाँ से है ना प्रीवियस क्लोज, और ये भी मैंने रेजिस्टेंस अभी लाइव में बोला था ना आपको, ये वाला तो गिरा, बस ट्रेड ले आपका लेने का तो वहाँ। डीएमए तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है, मेरा तो एकदम ही गलत आ रहा है। क्या आपका डीएमए तो काफी एक्यूरेट आ रहा है, मेरा तो काफी गलत आ रहा है। ये शेरखान का है भैया, मैं इसीलिए शेरखान यूज करता हूँ। ये आप जो आपका स्पाइडर बहुत बोलते हैं ना, एक्यूरेट है फिर स्पाइडर, तो। हाँ जो स्पाइडर बोलते हैं हाँ ना, ये उसका कॉपी है, ऐसा है। सर अभी ओके, आरएसआई भी ब्रीच कर रहे हैं मूवी ये हैवन। देखो लाइव ट्रेड गिरा ना हाँ बराबर। सो दिस इज हाउ वी शुड ट्रेड, इसमें फियर क्या है, स्टॉप लॉस लगा दो ऊपर, थोड़ा से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। इसने सबकी पेशेंट ले लिया, और बैंक निफ्टी भी ऐसा ही गिरेगा देखना आप। अच्छा जिस तरह से निफ्टी गिर रहा है ना, तो आज क्या हुआ है, बैंक निफ्टी गिरेगा ना तो निफ्टी को गिराएगा फिर, ऐसा होगा। क्योंकि निफ्टी का भी हमने जो अभी डेटा चेक किया उसमें भी ऐसा कुछ बता रहा था ना नजदीक के अंदर, लाइक 100-150 पॉइंट तो वो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा है। तो अभी 300 के जो कॉल तो राइटर फिर है तो ना, साइडवेज ही स्ट्रक्चर अभी भी मतलब। हाँ, लेकिन 300 के जो कॉल राइटर थे ना, उन्होंने वो लोग पैसा बना रहे हैं, इन शॉर्ट अच्छा कल से बना रहे हैं, कल से बना रहे हैं। कल भी हमने आइडेंटिफाई किया था ना, भले मार्केट गैप अप हुआ लेकिन उन्होंने धड़ाम से गिरा दिया मार्केट को, ऐसा है। ओके, और अभी चलो दूसरे भी डेटा देखें ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन डेटा बराबर ना। ओके स्टॉक्स के देखते हैं, टाइम है ना सर। ओके, हाँ सर टाइम ही है सर 3.5 दिन तक टाइम ही है इसमें अभी तो। नहीं अगर ट्रेड लेना हो तो बोल देना, लाइव में भी कर देंगे कुछ। ओके ओके सर। देखो ये बैंक निफ्टी का डेटा देख लिया ना हमने, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग कहाँ पे हैवी था, 38,800 एट कॉल हंड्रेड राइटिंग था ना राइट हैवी बराबर। तो 38,800 पे कौन सेल करेगा, ये लोग सेल करेंगे ना। करेंगे सर। हाँ कल मैंने बोला था ना अल्गो का प्रॉब्लम हाँ क्या है मालूम है सुबह, सब लोग यही डेटा चेक करते हैं आज का, ओके ये डेटा नहीं चेक करना चाहिए हमें, कंबाइंड डेटा चेक करना चाहिए ये वाला। अच्छा ये वाला क्या हाँ, कंबाइंड दोनों का कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि आज कितना चेंज हुआ है वो कैसे मालूम होगा ओके बराबर। तो ये है मतलब ये हमारे इन पास। दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, एक फ्रॉम पहली सत्र फ्रॉम डेट 1/17/17/1/2022 ऐसा है बराबर। एनीवे ये हुआ, इन शॉर्ट ये तो मालूम होगा ना कि 18
38,800 पे ये रेजिस्टेंस था, इसीलिए बैंक निफ्टी गिरा। जी सर, बराबर ना? अभी हम स्टॉक्स में जाते हैं थोड़े, जो फ्यूचर्स के हैं ना, तो उसमें कोई नया सीनारियो बनता है ना तो हम देख लेते हैं। देखो ये जो लिक्विड हो गया ना उसमें देखो, यहाँ पे कॉल राइटिंग, कॉल अनवाइंडिंग हुए, इसका मतलब क्या होगा?